फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो आज मेरी अभी मॉर्निंग शुरू ही है और मैं सुबह 10:30 उठी और मैंने अभी शॉवर वगैरह ले लिया है और मैं एक ही दफ़ा रूम से बाहर जाऊँगी। और सुबह उठते साथ सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है अपना बेड सेट करती हूँ। इट विल हार्डली टेक 1-1.5 मिनट, अगर ना करो तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। इससे बाहर निकलने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बेडरूम की सारी चीज़ें अरेंज कर दूँ, जो चीज़ें आगे पीछे बिखरी होती हैं वो उनको उनकी जगह पर पहुँचा कर फिर मैं एक ही दफ़ा बेडरूम से बाहर आती हूँ। सबसे पहले मैंने नाश्ते के लिए अपने हस्बैंड को और ख़ुद ये बादाम खाए और साथ में एप्पल दिया। मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग जो पहली चीज़ खाएं वो कोई ना कोई फ्रूट हो या कोई अच्छी चीज़ हो, ज़्यादा हैवी चीज़ में नहीं लेती। और फिर उसके बाद में जो भी अंडा ब्रेड वगैरह बनाना हो 5-10 मिनट में वो भी बन जाता है। और जब तक वो बनता है और तैयार होता है, कोई ना कोई फ्रूट खाने की वजह से थोड़ी सी हमें भी तसल्ली हो जाती है कि नहीं अभी तो कुछ खाया था। और बस इस तरह मैंने अपने हस्बैंड के लिए आज अंडा ब्रेड बनाया और मैं इस चाय के साथ सिर्फ बिस्किट लूँगी और उसके बाद बर्तन जमा हो जाए। बर्तनों में तो अल्लाह का कोई इतना करम होता है कि आप एक काम करो और 10 बर्तन भर जाते हैं। मुझे लगता है मैं पूरा दिन बर्तन ही धोती रहती हूँ और आई एम जस्ट फेड अप फ्रॉम वॉशिंग दीज बर्तन। एक तो मेरी अंग्रेज़ी और उर्दू को ज़रा एक्सक्यूज़ कीजिएगा ज़रा। इसके बाद मुझे आटा गूंदना भी बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली मुझे सिर्फ दो ही काम करना बहुत बुरे लगते हैं, यह जिनको करते हुए मैं बहुत लेज़ी फील करती हूँ, एक कपड़े आयरन करना और दूसरा आटा गूंदना। लेकिन फिर भी मजबूरी है, करने तो पड़ते हैं। तो मैं आटा गूंदने के लिए ये करती हूँ कि जब बर्तन धोने शुरू करने लगती हूँ तो उससे पहले मैं आटे को ज़रा पानी से मिक्स करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जितनी देर में मैं बर्तन धो के फारिग होती हूँ उतनी देर में वो आटा अच्छा खासा मिक्स हुआ होता है, तो उसको 3-4 मुट्ठियाँ मार के बस एक बर्तन में निकाल के रख लेती हूँ और वो अच्छा सा गूंज जाता है। तो आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे मेरे किचन में बन रहा है कढ़ी पटोड़े। वाह 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 वाह। क्यों? क्योंकि मुझे कढ़ी पटोड़े पर्सनली पसंद है लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं। तो आज हस्बैंड का मूड हो रहा था कढ़ी पटोड़े खाने का, तो मैंने कहा क्यों नहीं चलें बनाते हैं। और ये सारा काम मैं तकरीबन 3 बजे मैंने शुरू किया। सुबह नाश्ता लेट करते हैं, फिर दिन का खाना लेट हो जाता है और फिर रात का खाना उससे भी ज़्यादा लेट हो जाता है। मीन्स पूरा दिन हमारे घर में यही चलता रहता है। एनीवेज, आजकल हम लोग लेकिन वॉक पर भी ज़रूर जाते हैं। वॉक करने से ये होता है कि आप थोड़े से फ्रेश हो जाते हो। और वॉक के लिए हम लोग निकलते हैं मैं और मेरे हस्बैंड मक्तब की नमाज पढ़ के। उसके बाद 8 बजे तक मैं और मेरे हस्बैंड नीचे वॉक करते हैं और बहुत मज़ा आता है और आई रियली फील सो फ्रेश आफ्टर डूइंग वॉक। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को जयनमाज देने आई थी क्योंकि वो आज जब असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे तो वो जयनमाज लेके जाना भूल गए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्लीज़ मुझे जयनमाज नीचे फेंक दो ऊपर से। तो मैंने इधर खिड़की से उनको जयनमाज थ्रो की और उन्होंने दी और वो चले गए। यूजली मेरे हस्बैंड जब भी कोई चीज़ लेकर जाना भूल जाते हैं, कभी चीज़ या वॉलेट वगैरह, तो वो मुझे कॉल करके बोल देते हैं, तो मैं यहीं से उनको वो थ्रो करती हूँ और वो ले लेते हैं। मेरी जो बिल्डिंग है, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो फ्लैट है वो है, इसी टाइम में मेरी सारी कढ़ी वगैरह भी रेडी हो गई थी और दिन का खाना भी तैयार था। जब तक वो असर की नमाज़ पढ़ के आए तो खाना बिल्कुल रेडी था और मैंने और उन्होंने खाना खाया। मेरे हस्बैंड के हाँ शुरू से ये ट्रेंड है कि वो जब भी कढ़ी बनती है तो साथ चावल के साथ खाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ कढ़ी और पराठे का ट्रेंड था। एनीवेज, खाने के बाद मीठा तो बनता है। फिर हमने आइसक्रीम इन्जॉय की और उसके बाद रात को काफ़ी लेट नाइट जब हम वॉक करके भी वापस आ चुके थे तकरीबन 10 बजे, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है तो मैंने फ्रेंच टोस्ट खाना है। तो मैं उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया और अपने लिए ये एक सैंडविच बनाया और साथ में कबाब फ्राई किया। तो हम दोनों ने फिर ये इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया, साथ में चाय भी चली। ऑल्दो बहुत ज़्यादा देर हो गई,
ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने किचन को क्लियर कर लिया है। मैंने सारे बर्तन ये अभी धो के वॉश करके रखे हैं, इसलिए सुबह ही इनकी जगहों पे जाएंगे। और मेरी ये कढ़ाई नीचे से बहुत डाली हुई है, आई नो दैट, पर मुझे नहीं पता कि मैं इसको किस तरह से मांझ के साफ़ करूँ। और जो आज मैंने खाना बनाया था रेडी और चावल, उसको मैंने बॉक्सेस में डाल के अब मैं फ्रिज में रख रही हूँ। इसके अलावा पानी की बॉटल्स भी फ्रिज में रख दूँगी। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सजेस्टिंग समथिंग गुड फॉर माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ अच्छा या कुछ बुरा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बना सकूँ। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मेरी मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो होपफुली, अल्लाह हाफिज़।